हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास टेंथ संचयन बुक का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 टोपी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो उत्तर है, टोपी शुक्ला और इफ्फन सहपाठी होने के साथ साथ अजीज दोस्त भी हैं, यानी गहरे दोस्त हैं। दोनों को अलग अलग पारिवारिक परंपराएं मिली हैं, यानी दोनों अलग अलग परंपराओं में पले हैं। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हैं। पर टोपी की कहानी में इफ्फन एक मुख्य पात्र है, उसके बिना टोपी की कहानी को समझा नहीं जा सकता। अगर हमें टोपी की कहानी समझनी है तो इफ्फन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वे इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ्फन की दादी अपने पीहिर यानी मायके क्यों जाना चाहती थी? तो उत्तर है, इफ्फन की दादी एक जमींदार की बेटी थी। उनका विवाह लखनऊ शहर के एक मौलवी के साथ हुआ, जाहिर है लव मैरिज ही होगी। उनके मायके में दूध घी दही की भरमार थी। उन्होंने शादी से पहले मायके में पीर में खूब दूध दही खाया था। उन्हें अपने पति यानी मौलवी पति के यहाँ नियंत्रण में रहना पड़ता था। मोमडन में तो वैसे ही लड़कियों को बड़े नियंत्रण में रहना पड़ता है। तो पीर जाने पर जब वो मायके जाती थी तो अपने आप को आज़ाद महसूस करती थी। उस आंगन में लगी दशहरी के आम दूध दही उन्हें बहुत याद आते थे, इसलिए इफ्फन की दादी अपने पीर जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? तो बच्चों, इफ्फन की दादी जो थी वो हिंदू परिवार की थी और हिंदू परिवार में शादी विवाह के अवसर पर गाने बजाने की परंपरा आपने अक्सर देखी होगी और उस परंपरा में बड़ा मज़ा भी आता है। वे भी चाहती थी कि अपने बेटे की शादी में इसी परंपरा को अपनाए और बेटे की शादी करे, लेकिन वो अपनी ये इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसकी शादी एक मौलवी परिवार में हुई थी और जो मौलवी परिवार है उनमें शादी विवाह के समय हिंदू परिवार की तरह गाने बजाने के रीति रिवाज नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उत्तर है, टोपी जो था वो आधुनिक यानी शहरी होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द जो है वो मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, हिंदुओं के घर में नहीं। किंतु जब टोपी शुक्ला के ने खाने की मेज़ पर अम्मी शब्द सुना सबने उसके मुंह से, तो परिवार में कोहराम मच गया और उन्होंने टोपी से पूछा तो टोपी ने बताया कि यह शब्द उसने अपने दोस्त इफ्फन के घर से सीखा है। तो इस तरह मुसलमानों से दोस्ती करके हमारी परंपराएं टूट रही हैं, हमारे रीति रिवाज टूट रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये सब उनके दिमाग में सोच आई। तो परंपराओं की दीवार तोड़ने वाला इसे कदम मानकर उसकी माँ और दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई भी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो उत्तर है, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसी तारीख को इफ्फन के पिता का तबादला हुआ था यानी ट्रांसफ़र हुआ था। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया, उसके घर वाले भी उसे प्यार तो पहले ही नहीं करते थे, इसलिए उसे अपने जीवन में अधूरापन लगने लगा। और उस दिन से उसने ये प्रतिज्ञा भी कर दी कि अब वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो, अर्थात जिसके पिता के ट्रांसफ़र होने के चांस हो। तो अगला क्वेश्चन है, टोपी ने इफ्फन से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो उत्तर है, टोपी को इफ्फन की दादी से बहुत अधिक प्यार मिला था। उसकी दादी की जो भाषा थी, उसका भोलापन था, वो टोपी को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन टोपी का दादी का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा टोपी को डांटती रहती थी, फटकारती रहती थी और टोपी जो भाषा बोलता था उसे कहती थी ये गंवारों की बोली, तो ये बातें भी उनसे कहती रहती थी। लेकिन जो टोपी ने दादी का असली प्यार होता है वो इफ्फन की दादी में देख लिया था, इसलिए वह हमेशा इफ्फन के सामने अपनी दादी बदलने की बात कहता था, जिससे यह कहा जा सकता है। इसको अगर हम सोचें तो बच्चों कह सकते हैं कि बच्चे बहुत भोले होते हैं, भोलेपन का सुंदर उदाहरण अगर कहीं देखना है तो बच्चों में देखो, और वो हमेशा एक ही चीज़ चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रेम, और वही टोपी चाहता था जो उसे इफ्फन की दादी से मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? टोपी को तो था ही था, लेकिन इफ्फन को क्यों था? तो पूरे घर में इफ्फन को अपनी दादी से स्नेह इसलिए था कि प्यार तो उससे सभी करते थे, वो अब्बू अम्मी यानी माँ, पिताजी, बाजी, बुआ, छोटी बहन,
पर वे कभी कभी उसको डांटते भी थे उसकी गलतियों के लिए, लेकिन दादी ने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। मैं दादी की सादगी और प्रेम से बहुत प्रभावित था, इसलिए मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा क्यों लगने लगा? तो इफ़न की दादी जो थी स्नेह यानी प्रेम से भरी हुई थी। टोपी भी कभी अपने पन की खोज की तलाश में उनके घर गया था और वो अपनी इफ़न की दादी के पास बैठता था। उसकी जो भाषा थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। वह थोड़े ही दिनों में दादी से बहुत घुल मिल गया, उन्हें दादी से बहुत प्यार मिलने लगा। मैं उनके परिवार के सदस्यों से बहुत कम बात करता था, जब भी उनके घर जाता था उनकी दादी के पास बैठता था। दादी एक माँ की तरह उसे प्यार करती थी, जैसे एक माँ प्यार करती है। तो जब दादी की मृत्यु हुई तो टोपी को इफ़न का घर बिल्कुल खाली खाली लगने लगा। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बटे थे। इस कथन को अगर आपने अपने विचार लिखने हैं तो बच्चा कोमल और निष्कष्ट भाव का होता है, उसके लिए मजहब जाति का कोई भेदभाव नहीं होता जब तक आप छोटे हैं। इन सब बातों से वो अनजान भी होते हैं, उसे जहाँ प्यार और ममता मिलती है वह उसी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए इफ़न को अपनी दादी और ममता, जो इफ़न की दादी का स्नेह और ममता थी, उसे मजहब की दीवारें तोड़ नहीं पाई और वो उसी ओर खिंचता चला गया। और घर वालों से मार खाने के बाद भी उसने दादी से मिलना नहीं छोड़ा। दोनों अनजान होते हुए भी एक अटूट रिश्ते में बंध गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, इसके कारण बताइए। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। जिहीन यानी बहुत तेज़ दिमाग का होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार वो फेल क्यों हो गया? पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर है कि जिहीन मतलब तेज, होशियार, मेहनती। 9वीं कक्षा में वो फेल फिर भी हो गया। उसके 2 कारण थे। पहला कारण क्या था? उसका जो भाई भैरव था उसके कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज बनाकर उड़ा देता था, जो नोट्स वो लिखता था वो खो जाते थे। दूसरा, उसके घर के सदस्य जो अपने काम करवाने होते थे वो नौकरों को ना कह के इसी को कहते थे टोपी को, तो उसे समय ही नहीं मिल पाता था, इसलिए वो फेल हो गया। जो सेकंड बार वो फेल हुआ उसको टाइफाइड हो गया, वो पढ़ ही नहीं पाया, वो फेल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, एक ही कक्षा में 2 बार जब बैठा था टोपी तो उसे किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो जब एक ही कक्षा में 2 बार टोपी बैठा तो उसे निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे बताया है। नंबर 1 क्या हुआ, जब वह फेल हुआ तो उसके दोस्त जो थे वो 10वीं कक्षा में चले गए और वह छोटी बच्चों के साथ बैठता था तो उसका कोई नया दोस्त इतना अच्छा बन नहीं पाया। दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा ये हुआ, अध्यापक भी उसकी उपेक्षा करने लगे, उसे एक कमज़ोर लड़के के रूप में उसी का उदाहरण देते थे। तीसरा, कक्षा के बच्चे भी उसका इस तरह मजाक उड़ाने लगे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा कि क्या ऐसे शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, टोपी की भावनात्मक परेशानियों के जिम्मेदार रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव भी होने चाहिए। क्या बदलाव होने चाहिए? कि किसी भी छात्र को एक ही कक्षा में 2 बार फेल नहीं करना चाहिए, दूसरी बार उसे अगली कक्षा में बैठा ही देना चाहिए, मेहनत वो अगली कक्षा में करेगा। दूसरी बात, छात्र को विषय चुनाव की छूट मिलनी चाहिए, भाई जो विषय उससे पास नहीं हो पा रहा वो उसे छोड़ के दूसरे विषय पास करके अगली क्लास में बैठ जाए। तीसरा, बच्चों को अंकों के आधार पर नहीं बल्कि ग्रेड के आधार पर कक्षा में भेज देना चाहिए, ठीक है, और स्थिति ताकि वे अपनी स्थिति पहचान कर मेहनत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यापकों को कड़ा निर्देश है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है और उनकी क्लास में बैठा है तो अध्यापक उसको गलत नकार ना समझे बल्कि उसकी पास होने में मदद करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़न की दादी के मायके का घर कंस्टोडियन में क्यों चला गया? तो इफ़न की दादी जो पूर्व राज्य की रहने वाली थी, लेकिन उसका विवाह कहाँ हुआ? लखनऊ में, तो वो लखनऊ आ गई। जब विभाजन के समय मायके के लोग भारत से अपना घर छोड़कर पाकिस्तान के कराची में चले गए तो और दादी की मृत्यु निकट आई तो दादी की जो याददाश्त थी वो कमज़ोर हो गई। उसे याद ही नहीं रहा कि उसका घर कहाँ पे है इंडिया में, तो कोई घर ढूंढ नहीं पाया और घर का कोई वारिस नहीं था। इस कारण उसके मायके का घर जो दादी का था वो लावारिस बना रहा। इसी कारण दादी के मायके वाले का घर जो था कंस्टोडियन में चला गया।